नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस यार, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार ने यहाँ पे 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है। तो काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि भैया आखिर पबजी को यहाँ पे इंडिया में बैन क्यों नहीं किया गया। काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भैया क्या यहाँ पे जो पबजी है उसे फ्यूचर में इंडिया में बैन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। सो गाइस सवाल बहुत सारे हैं, तो आज मैं आप लोगों के इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि पबजी यहाँ पे इंडिया में बैन क्यों नहीं हुआ। सो गाइस इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं यार कि दुनिया की सबसे बड़ी गेम कंपनियों में से एक है टेंसेंट गेम्स। जी हाँ दोस्तों, टेंसेंट गेम्स वही है जिसने यहाँ पे पबजी मोबाइल को डेवलप किया है। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टेंसेंट गेम्स ने पबजी को चीन में लॉन्च करने का ऑफर दिया था और कुछ हिस्सेदारी भी खरीदी थी, ठीक है। हालांकि पबजी को चीन में बैन कर दिया गया, बाद में इसे चीन में एक नए नाम से लाया गया, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। फिलहाल प्ले स्टोर पर भी इस गेम के पब्लिशर टेंसेंट गेम्स ही है। इस तरह देखा जाए तो दोस्तों जो पबजी की ओनरशिप है वो मिक्स है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं जितनी भी इंडिया में ऐप्स बैन हुई उनमें से 100% ऐप्स, मतलब कि पूरा का पूरा उन्हें डेवलप यहाँ पे चाइना ने किया था। चाइना के पास उन ऐप्स का पूरा एक्सेस था। लेकिन दोस्तों पबजी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पबजी को यहाँ पे शुरुआत में सबसे पहले डेवलप किया गया साउथ कोरिया में, जो कि ब्लू होल नाम की एक कंपनी है, उसने यहाँ पे उसे डेवलप किया। उसके बाद में जो पबजी मोबाइल है दोस्तों, उसे यहाँ पे चाइना की टेंसेंट कंपनी ने डेवलप किया। तो दोस्तों जो ऑनरशिप है वो यहाँ पे मिक्स हो जाती है पबजी के मामले में। इसीलिए दोस्तों अभी पबजी को फिलहाल इंडिया में बैन नहीं किया गया हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। सो ओके गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं यार दूसरे सबसे बड़े रीजन की जिसकी वजह से पबजी मोबाइल यहाँ पे इंडिया में बैन नहीं हुआ। सो गाइस इससे पहले हम जान लेते हैं यार कि जितनी भी 59 चाइनीज ऐप्स थी जिनको कि इंडिया में बैन किया गया, उनको यहाँ पे क्यों बैन किया गया। सो गाइस सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारे इंडिया की है वो यहाँ पे इन ऐप्स की टेस्टिंग करती रहती है। दोस्तों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जब उन 59 ऐप्स की यहाँ पे टेस्टिंग की, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो वो 59 ऐप्स थी वो यहाँ पे हमारा इंडिया का डेटा लीक कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, वो हमारा इंडिया से डेटा लेती थी और दूसरे देशों के सर्वर में यहाँ पे लीक करती थी, मतलब कि पूरे पूरे चांसेस थे हमारे डेटा लीक होने के। जिसकी वजह से जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने, उसने यहाँ पे जो ये 59 चाइनीज ऐप्स है वो यहाँ पे इंडिया में बैन करवा दिए। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि पबजी यहाँ पे आखिर बैन क्यों नहीं हुआ। सो गाइस साफ सीधी बात है यार, पबजी की भी टेस्टिंग हुई होगी। जाहिर सी बात है यार, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के टेस्ट होंगे उनमें यहाँ पे पबजी पास कर गया होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि पबजी मोबाइल में यहाँ पे उन्हें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लगी होगी। यहाँ पे कोई भी हमारा डेटा लीक नहीं हो रहा होगा। प्राइवेसी के मामले में पबजी गेम एकदम सही होगा, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पे पबजी ऐप नहीं आया, जिसकी वजह से दोस्तों जो पबजी ऐप है वो यहाँ पे हमारे इंडिया में बैन होने से भी बच गया। सो गाइस अभी मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ यार कि पबजी मोबाइल को यहाँ पे इंडिया में कोई खतरा है कि नहीं, क्या पबजी मोबाइल को इंडिया में फ्यूचर में बैन किया जाएगा या फिर नहीं। सो गाइस इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए दोस्तों, जो पबजी मोबाइल है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है चाइनीज कंपनी के द्वारा, जिसका की नाम है टेंसेंट गेम्स। अभी दोस्तों चाइनीज कंपनी पे यार विश्वास करना या फिर ट्रस्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों चाइनीज कंपनी जो होती है वो यहाँ पे डेटा लीक करती है। प्राइवेसी के मामले में इनका कोई भी भरोसा नहीं होता। तो गाइस मेरा तो एक ही कहना है यार कि अभी भले ही पबजी यहाँ पे सेफ है, लेकिन दोस्तों हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, अगर उसके रडार में यहाँ पे पबजी आता है फ्यूचर में, अगर उनको कोई भी दिक्कत लगती है हमारे डेटा के लिए, हमारी प्राइवेसी के लिए, तो भैया इंडिया में पबजी मोबाइल भी बैन हो सकता है। सो गाइस अभी तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से पबजी गेम को खेलिए। लेकिन भाई 100% भरोसा ये भी नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में यहाँ पे पबजी गेम को कोई भी खतरा नहीं होगा। सो गाइस आई होप यार आप लोगों के सभी जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए होंगे। बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करना एकदम फ्री होता है, शेयर करना एकदम फ्री होता है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो, और दोबारा बोल दिया उसके लिए माफी। तो गाइस आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।